वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसिपी विद तायरा। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी क्रंची से ये बॉक्स पेटीज। ये बॉक्स पेटीज दिखने में जितनी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी है। इससे पहले आप मेरी रेसिपी के स्वाद में खो जाएं, कर दें मेरी वीडियो को लाइक। अगर चैनल पर न्यू हैं तो करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ये बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मुझे कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। बॉक्स पेटीज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम बारीक कुटा हुआ कीमा, 100 ग्राम बारीक कटे हुए प्याज, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर, सीधा गुलकी पाउडर, गरम मसाला, सरसों का तेल, बारीक कटी हुई धनिया के पत्ते, बारीक कटे हुए हरी मिर्च और ये है मैदा शीट। अगर आप चाहते हैं मैं इसकी विधि आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। एक कढ़ाई लें और फ्लेम ऑन कर दें। फिर इसमें ऐड करेंगे 4 टीस्पून ऑयल। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड करें बारीक कटे हुए प्याज। प्याज हमने थोड़ा बचा लेना है, बाकी सारे प्याज ऑयल में ऐड कर देंगे। प्याज को पकाना है तब तक जब तक ये सुनहरा कलर का ना हो जाए। इसे कंटिन्यू चलाते रहें। देखिए प्याज हमारा गोल्डन कलर का हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे कीमा, फिर इसमें डालें सारे मसाले। सारे मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करें और इसे पकाएं। 5 से 6 मिनट के लिए पका लें। 5 मिनट तक कीमा भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप वाटर और इसे लीड लगाकर 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब देखते हैं ढक्कन खोल के। देखिए कीमे का पानी सूख चुका है, मैंने इसे बीच में चलाया भी था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पत्ती और हरी मिर्च और फिर इसे अच्छे से मैं भून लूँगी। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी और प्याज ऐड करने के बाद मैं इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकाऊँगी। जब भी हमें फिलिंग तैयार करना होता है, चाहे वो बॉक्स पेटीज के लिए हो या समोसे के लिए हो, तो हमें फिलिंग हमेशा ड्राई बनाना चाहिए। ज़्यादा ऑयली और मसालेदार नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, वो ऑयल और मसाला बाहर आने लगेगा। देखिए इसी तरह हमें भूनकर तैयार कर लेना है। कीमा हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसे किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ, फिर हम फिल करेंगे इसे। सबसे पहले मैं एक शीट लूँगी, फिर उसके ऊपर दूसरा शीट लूँगी। देखिए ये शीट मेरा कितना ट्रांसपेरेंट है, मैंने इसे घर पर बनाया है। इससे बॉक्स पेटीज बहुत अच्छी बनती है, बहुत कुरकुरी होती है। अब देखिए मैं हर एक साइड पे पानी से ब्रश करूँगी। अगर आप भी इस तरह का शीट बनाना चाहते हैं, बनाना सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए ये शीट बनाऊंगी और आप एक बार में ही परफेक्ट शीट बना पाएंगे। ब्रश करके, पानी का ब्रश करने के बाद मैं इसे फोल्ड कर दूंगी। फिर दूसरे साइड भी इसी तरह पानी से ब्रश करूंगी और इसे भी फोल्ड कर दूंगी। अब देखिए बॉक्स पेटीज हमारी रेडी हो चुकी है, इसी तरह सारे के सारे बना लूँगी। हमारे सारे पेटीज रेडी हो गए हैं। अब मैं एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लूँगी। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो मैं मीडियम फ्लेम पे सारे पेटीज को इसमें एक एक करके डाल दूँगी। हमारे सारे पेटीज फ्राई हो रहे हैं, मैं इसे पलट लेती हूँ और इसे गोल्डन कलर जब हो जाएगा तो मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए हमारी पेटीज बहुत कुरकुरी बनी है, बिल्कुल करारी।
अब मैं इसे निकाल दूंगी, बिल्कुल ऐसा कलर ही होना चाहिए आपकी पेटीज का। अब बॉक्स पेटीज को मैं चटनियों के साथ सर्व करूंगी। हमारे बॉक्स पेटीज रेडी हैं, आप इसे अपने घर पे ट्राई करें। मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको बॉक्स पेटीज के लिए शीट बनाना सीखना है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।